नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताओं में से एक आजम खान के सामने अब बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है। दरअसल आजम खान के सामने अब अपनी रामपुर सदर की विधानसभा सीट बचाने की बड़ी चुनौती है। रामपुर लोकसभा सीट गंवाने और रामपुर शहर सीट से आजम खान की विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी। अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। आजम खान ने रामपुर शहर सीट पर आसिम रजा को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। ऐसे में अभी सीट से आसिम रजा को जिताने के लिए आजम खान पर उनकी प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन सवाल ये भी है कि आजम खान आखिरकार आसिम रजा को कैसे जिताएंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी आजम खान की आसिम रजा को जीत हासिल करवाने के लिए, इस रिपोर्ट में देखिए। रामपुर सदर की विधानसभा सीट एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि आसिम रजा को रामपुर सदर की विधानसभा सीट पर उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन आजम खान की चिंता इस बार कुछ और है। दरअसल आजम खान को ये डर सता रहा है कि अगर आसिम रजा इस सीट से हार गए तो ऐसे में ये सीट बीजेपी के पास चली जाएगी, और अगर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती है तो आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी। यही वजह है कि आजम खान इस सीट से आसिम रजा को जिताने के लिए हर संभव पैंतरेबाजी करने के लिए बैठे हैं। अब इस सीट से आसिम रजा को जिताना आजम खान के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। जहां एक तरफ बीजेपी सीट पर अपने प्रत्याशी आकाश सक्सेना को जिताने के लिए इलाके में कराए गए विकास कार्यों को मुख्य हथियार बनाएगी, वहीं दूसरी तरफ रामपुर में आसिम रजा को सपा के सीनियर नेता आजम खान का भरोसेमंद माना जाता है। उनकी बिरादरी में मजबूत पैठ है। आजम खान ने आसिम रजा को सियासी तजुर्बे वाला व्यक्ति भी बताया। ऐसे में चर्चा ये भी हो रही है कि क्या बीजेपी की चुनावी रणनीति के आगे आजम खान रामपुर विधानसभा सीट पर अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएंगे। रामपुर के लोग आकाश सक्सेना और आजम खान के बीच लंबे वक्त से चल रही अदावत को देख रहे हैं। आकाश सक्सेना इस साल हुए विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के प्रत्याशी थे, साथ ही आकाश ने आजम खान पर कई मुकदमे भी करवाए हैं। वहीं दूसरी ओर आजम खान आसिम रजा को अपने अजीज साथी बताते हैं। खैर, दोनों ही पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी अखाड़े में कूद गई हैं। अब देखना होगा कि कितना दिलचस्प आखिर ये चुनाव होने वाला है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।